बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए, और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए, निके राखियो बनाए। जो तुम्हारे बल सो उत मेरा जोरा होए। प्रणाम प्राणधार आत्मा संबंधी सुंदर सर जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि बारह सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में गए हैं, उन्हें एक धर्म का संदेश देने। धर्म ग्रंथों में निहित वास्तविकता को समझाने, वेद और कतेब का एकीकरण समझाने, लेकिन औरंगजेब के दरबारियों ने उसे इस तरह से गुमराह किया कि उन बारह सुंदर साथ पर ही कष्ट आया, उन्हें यातना दी गई, जिन्हें सांत्वना देने के लिए श्री जी ने पत्र लिखा है, और उसमें श्री जी ने न केवल सांत्वना दी अपितु सुंदर साथ का बल भी बढ़ाया है, और साथ ही साथ मार्गदर्शन भी किया है कि भविष्य के लिए क्या करना है। और ये केवल उन सुंदर साथ के लिए नहीं, मैंने कल भी कहा था कि धर्म के प्रचार के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए, समाज को रास्ता दिखाने के लिए जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये पत्री जो श्री जी ने लिखी है, ये चिट्ठी, ये प्रेरणादायी है और मार्गदर्शिका है। कल की अंतिम चौपाई में हमने पढ़ा कि किस तरह से श्री जी ने हिंदुत्व वाले रहन सहन को न छोड़ने की हिदायत दी है। हिंदुत्व वाला रहन सहन का तात्पर्य क्या है? देखिए, ज्ञान दृष्टि से भले ही केवल भाषा का भेद हो, लेकिन रहन सहन और आचरण की दृष्टि से आकाश और पाताल के जैसा फर्क है। एक का आचरण सामान्य रूप में मनुष्य वाला और देवताओं वाला है, तो दूसरे का आचरण असुरों वाला है। इसलिए पूरे श्रीमुख वाणी में कम से कम 25 जगह पर ऐसी चौपाइयां हैं जिनमें मुसलमानों को असुर कह करके संबोधित किया है। कम से कम 25 चौपाइयां हैं। इसका कारण क्या है? उनकी पाशविक प्रवृत्ति, उनका खान पान, उनके अंदर की क्रूरता। इसके विपरीत हिंदुओं का खान पान सामान्य रूप में शाकाहारी होता है, प्रवृत्ति सामान्य रूप में सतोगुणी अथवा रजोगुणी होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में सारे देवता हैं, हिंदुओं में भी मांसाहारी हैं, और आज तो उसका प्रचलन फिर भी और अधिक बढ़ा है। धीरे धीरे जो वाम मार्गी विचारधारा है और पौराणिक वाद है, इसने हिंदुओं के अंदर भी बलि प्रथा, मांसाहार इत्यादि को जन्म दिया है। आज से 10 साल पहले तक गुजरात की तरफ आप जाते थे या मध्य प्रदेश राजस्थान की तरफ जाते थे, तो 10-15 साल पहले तक मांसाहारी रेस्टोरेंट ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। आपको चिंता नहीं होती थी कि बाहर हम गए हैं तो शाकाहारी खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अधिकतर होटल रेस्टोरेंट सब शाकाहारी होते थे। आज धीरे धीरे विदेशी सभ्यता और वाम मार्ग का इतना जोर है कि अब जगह जगह पर मांसाहारी होटल दिखाई पड़ते हैं। तो सोचिए कि 400 साल पहले तो अवस्था कैसी रही होगी। तो खान पान से लेकर के रहन सहन तक
कहीं ना कहीं देवों वाला था। सनातनी विचारधारा अथवा वैदिक विचारधारा एक तरफ, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत का संदेश देती है, ये दैवत्व वाली विचारधारा है। और इसके विपरीत मुस्लिमों में तो ये परंपरा रही है कि अगर किसी दूसरे राज्य पर हमला किया जाता था तो सैनिकों को ये कह करके उकसाया जाता था कि लूट का जो भी माल होगा वो तुम्हारा होगा, जो भी स्त्रियां मिलेंगी वो तुम्हारी होंगी, जो पुरुष भी होंगे वो तुम्हारे लिए गुलाम होंगे। इसीलिए उसी लालच में, उसी प्रकार की परवरिश के कारण मुस्लिम आक्रांता और उनके सैनिक और अधिक बर्बरता दिखाते थे। और कहीं ऐसे भी दृष्टांत मिलते हैं उनके अत्याचार के कि जिन्हें देखकर राक्षस भी शर्मा जाए। यहां तक कि शत्रु सेना के सिर को काट करके उनकी मीनारें बनवा देना, उन्हें सीढ़ियों पर लगाना, पूरे शहर में सिर काटने के बाद उस सिर को भाला घुसा करके पूरे शहर में घुमाना, और वो भी अपने ही परिवार के लोगों के साथ। सोचे कि परायों के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। आप गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की गाथा को पढ़ के देखिए उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। आज तक किसी हिंदू राजा ने ऐसा नहीं किया। युद्ध होता है तो युद्ध में सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसी बर्बरता किसी ने भी नहीं दिखाई। आप वीर बंदा बैरागी का प्रसंग देख लीजिए। यहाँ तक कि बंदा बैरागी के बारे में ऐसा पढ़ने में आता है इतिहास में कि बंदा बैरागी के पुत्र के शरीर को काट करके जबरन बंदा बैरागी के मुंह पर उसका मांस ठूसा गया था। सोचिए ऐसी बर्बरता आपको किसी पौराणिक कथा में किसी राक्षस के द्वारा नहीं मिलेगी। सोचिए कि रावण को राक्षस किस कारण से कहा गया। रावण के राक्षसीपन में कहीं पर इस प्रकार की विभत्स बर्बरता का वर्णन नहीं। हाँ, पर स्त्री का उसने हरण किया, घमंड था उसके अंदर, अहंकार चूर चूर था अहंकार में वो। लेकिन इनकी जो बर्बरता थी मुसलमानों की, उसके सामने तो शायद रावण बहुत छोटा है, इसीलिए इन्हें असुर कहा गया। तो श्रीजी ने जो हिंदुत्ववादी रहन सहन को न छोड़ने की बात की, हिंदुत्व के खान पान वेशभूषा को न छोड़ने की बात की, इसके पीछे ये रहस्य है। सोचिए कि एक तरफ हम मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत कहते हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों में अपने ही परिवारों में शादियां होती है। लूट के धन को अपना धन समझा जाता है, पराय धन को लूटना उनके लिए कमाई का जरिया है तब से लेकर के। तो इसीलिए संस्कार संस्कृति सब भिन्न भिन्न होने के कारण श्री जी ने उन्हें असुर और हिंदुओं को देव कहा। हाँ, हिंदुओं में भी कमियां बहुत सी है, मांसाहार से लेकर के जातिवाद, छुआछूत, बलि प्रथा, ऐसा वाम मार्ग है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है, जिसे हटाने की आवश्यकता है। पर सामान्य दृष्टि से देखा जाए, तुलनात्मक दृष्टि से, तो दोनों के बीच में प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरी बात कि अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो सभी हिंदू उसकी विभत्स निंदा करते हैं। रावण भले ही शिवजी का उपासक था, कहते हैं ना रावण शिव का उपासक था, लेकिन केवल शिव का उपासक होने के नाते दूसरे जो शैव लोग हैं वो उसका समर्थन नहीं करेंगे कि देखो वो तो शिवजी का उपासक था, उसका बुरा मत कहो। लेकिन इनमें भले ही कोई आतंकवादी निकले लेकिन उसकी निंदा कोई नहीं करता है।
कहीं ना कहीं उसको छिपाने की, उसको बचाने की कोशिश की जाती है, ये अंतर है। इसीलिए श्री जी ने हिंदुत्ववादी रहन सहन को न छोड़ने की बात की। और अब आगे के प्रसंग में कहते हैं, जो तुम्हारे बल सो उत मेरा जोरा होए। श्री जी कह रहे हैं कि आपके बल के कारण, आपने जो प्रयास किया, आपने जो बल दिखाया, इसके कारण वहां अब मुसलमानों के बीच में भी लोग मेरी बात सुनने लग गए हैं। तो आपके बल से मेरा बल बढ़ा है और बल मेरे से ये तुमको माने सोए। और मेरे बल से, क्योंकि आप गए हैं तो मेरे बल के द्वारा, मेरे शक्ति पर विश्वास रख के गए हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का बल बढ़ा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो मोर्चा लिया है वहां पर राज्य अवश्य उसको सफल करेंगे। और कहते हैं कि जरा तुम मन में दगदगा लियाओ जिन, ए लड़ाई है वचनों की सो करनी ले आकिन। ये ज्ञान की लड़ाई है, ये लड़ाई कोई हथियार वाली नहीं है। और इसे कैसे करना है, सो करनी ले आकिन, दृढ़ विश्वास के साथ। क्योंकि जिस सिद्धांत को आप मान रहे हैं उस पर यदि विश्वास ही नहीं होगा तो लड़ाई तो वहीं खत्म हो गई। आगे तो फिर जैसे कहते हैं ना कि लाठी पीटते रह जाना, तो ऐसा ही होगा। इसलिए श्री जी ने कहा कि पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हें इस ज्ञान की लड़ाई को लड़ना है। और कहते हैं आगे कि माया छल रूप है, ताको छल ही से जिताए। ये माया कैसी है, छल रूपी। इस संसार में जितने भी मायावी लोग हैं ये छली हैं, इनको जीतने के लिए छल से ही जीता जा सकता है। यहाँ छल का तात्पर्य श्री जी कपट करना नहीं सिखा रहे, क्योंकि अगर केवल एक चरण को पढ़ेंगे या एक चौपाई के एक पंक्ति को पढ़ेंगे तो लगेगा कि श्री जी ये छल की बात क्यों सिखा रहे। यहाँ छल से जीतने का तात्पर्य यह है कि ये क्योंकि सीधी लड़ाई में जैसे मुसलमानों के पास गए हैं उनसे आप सीधे लड़ाई करने लग जाएंगे तो ये बात सुनने वाले नहीं, तो ये माया है। इनसे जीतना हो तो आप सीधी लड़ाई नहीं कर सकते, आपको युक्ति पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, उपाय पूर्वक लड़ाई करना होगा। श्री जी कहते हैं कि इससे पहले भी जो भगवान विष्णु कहलाते हैं अत्यंत बलशाली, उनके जैसा शक्तिमान इस 14 लोक के ब्रह्मांड में और कोई माना ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने असुरों के साथ कैसा युद्ध किया, सीधे युद्ध नहीं किया, बुद्धि पूर्वक युक्ति पूर्वक युद्ध किया। इसी तरह से मैंने भी हरिजी व्यास के साथ कैसा युद्ध किया है आप जानते हैं, आपने जूनागढ़ के प्रसंग में सबने सुना है। चिंतामणि जी के साथ किस तरह से युद्ध किया है वो भी सुना है। कैसा युद्ध कि पहले हरिजी व्यास की चर्चा सुनी, जहां जहां वो जैसी जैसी बात करते गए श्री जी बस जी जी करते हुए सुनते गए, लेकिन जैसे ही 84 लाख योजन के हीरे के मंदिर के विषय में प्रसंग आया, श्री जी ने तुरंत उसी प्रसंग से उनको इस तरह से पकड़ा कि हिलने का भी मौका नहीं मिला और अपनी परास्त स्वीकार कर ली। कहते हैं कि आप भी 12 सुंदर साथ वहां पर गए हैं, आपको भी पहले उन्हें धीरे धीरे प्रेम से समझाना है। आप सीधे जाकर के सीधी लड़ाई का तात्पर्य आप जाकर के खंडनी करने लग गए कि आपके सिद्धांत में यहाँ पर ये गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी बात आगे सुनेंगे ही नहीं। और क्योंकि आप उनके राज्य में गए हैं, ये तो कट्टर है। हरिजी व्यास तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि वे बात नहीं सुनते, लेकिन ये तो ऐसे कट्टर है, क्रूर है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको प्रेम से बात सुननी है, वो जो कहे। कहते हैं जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो निरत। शुरुआत में वो जो जो कहें आपको प्यार से सुनना है, उसके बाद में उनसे धीरे धीरे प्यार से बात करना है,
फिर जैसे जैसे वो आपसे घुलमिल होने लगे तो आपको वास्तविक सच्चाई उन्हें बतानी है, और वो भी कब बतानी है, जब वो दिल से सुनने लग जाए। जैसे मान लीजिए कि मित्रता होती है किसी से, कोई नया व्यक्ति है जिसको आप ढंग से जानते नहीं हैं, मान लो कि वो सिगरेट पी रहा है और आप जाकर के कहें कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, देखो डिब्बे में भी लिखा है, आप अगर दिखाते हो, वो क्या कहेगा? ज्ञान मत बांटो, आपकी बात वो क्यों सुनेगा? लेकिन धीरे धीरे अगर मान लीजिए कि आपने पहले उसको सिगरेट के विषय में मना ही नहीं किया, आपने उससे मित्रता की, दूसरे विषय में बात करते हुए, और जब आपने उसका दिल जीत लिया, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि देख भाई ये सिगरेट जो है ना तेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पैसा भी जा रहा है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, अगर तुझे अल्पायु में ही कुछ हो गया, जल्दी ही तू चला गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर आप इतना भी कहते हैं भावनात्मक रूप से, वो सुनने को बाध्य होगा। तो इस तरह से श्री जी कह रहे हैं कि युक्ति पूर्वक बात करनी है, जल्दीबाजी में नहीं। कहते हैं तुम आकले होए ना उरझियो, सब काम दुरस्ती से होए, आकले होए अर्थात जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, सारे काम धीरे धीरे शांति पूर्वक होते हैं, आकले काम शैतान के ठंडे हक से होवे सोए। जल्दीबाजी का जो काम है वो शैतान का काम है, धैर्य पूर्वक आपको काम करना है, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इस तरह से श्री जी प्रबोधित करते हैं और कहते हैं कि देखो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं यहाँ से जहाँ मैं एकांत में हूँ वहां से निकल करके किसी बड़े राजा को जगाना चाहता हूँ। आप लोग वहां जो प्रयास कर रहे हैं वो तो अत्यंत प्रशंसनीय है, लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं शंका है कि ये लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, और अगर इस तरह से नहीं समझे, शास्त्र से नहीं समझे, तो शस्त्र से भी समझाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि औरंगजेब का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अभी अगर समझ गया तो ठीक है, वरना हमें दोनों तरह से हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सत्य धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ से निकल कर किसी राजा को जगाना चाहता हूँ। वैसे तो आपने भी प्रयास किया, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, पर होगा क्या? किसी शायर ने कहा कि मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। श्री जी कहते हैं कि सांची सोई हो वही जो हक के दिल में होए। मूल स्वरूप राजी ने जो दिल में लिया है सत्य तो वही होगा, और राजी ने दिल में क्या लिया है वो तो केवल राजी को पता है। हमारा काम क्या है? प्रयास करने का। सोचिए दुनिया के लोग भी इतनी बात तो अब आज समझ चुके हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार कर्म करने में है, फल प्राप्त करने में अधिकार नहीं है। तो श्री जी कह रहे हैं कि राज्य ने जो दिल में लिया होगा वही। अब आपको जो कुछ भी कहना है आप अगली चिट्ठी के माध्यम से हमें बताते रहना, बाकी जब भी मिलना होगा, क्योंकि अभी तो इतनी जल्दी तो मिलना दिखता नहीं है, कहीं मिलने के आश नहीं दिखते, लेकिन जब भी मिलना होगा मिल करके हम बात करेंगे। इस तरह से श्री जी ने पत्र लिखी, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद फिर कुछ बात उनके मन में आई तो उन्होंने एक छोटी चिट्ठी लिखी दोबारा, और उसी के साथ में जैसे आजकल क्या होता है, आजकल स्टेपल का सिस्टम होता है ना, कि आपने दो चार पेज लिख दिया, फिर बाद में कुछ बात याद आई, फिर से लिख करके उसमें अटैच कर दिया। आजकल तो खैर चिट्ठी का जमाना भी धीरे धीरे खत्म भी हो चुका है, फिर भी तो उस समय श्री जी ने एक और चिट्ठी लिखी जो छोटी पत्री के नाम से प्रसिद्ध है। अब तक हमने जो पढ़ा वो बड़ी पत्री जिसमें 151 चौपाई है और छोटी पत्री में 88 चौपाइयां हैं। छोटी पत्री में भी श्री जी ने जो पुनः याद आया
वो उन्होंने लिख करके भेजा। कहते हैं कि सुंदर साथ को पत्र लिखना है। श्री जी उन 12 सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि आपको अलग अलग जगह पे सुंदर साथ को पत्र लिखना है, और हमने भी सुंदर साथ को जो दूसरे सुंदर साथ घरों में है, क्योंकि श्री जी एकांत स्थान पर है, 12 सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार पर है, उनके सहयोग के लिए दिल्ली में कुछ सुंदर साथ गुप्त रूप से हैं, कुछ सुंदर साथ अनूप शहर में ठहरे हुए हैं, बाकी तो कई तो घरों में भी तो हैं। सूरत में से सभी तो घर छोड़ करके नहीं निकले, सिद्धपुर से, उदयपुर से, जहां जहां पर भी जागनी हो रही थी वहां पर सुंदर साथ अपने अपने घरों में हैं। तो श्री जी ने उन सुंदर साथ को पत्र लिखा प्रेरणा देने के लिए कि आप लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन सुंदर साथ क्या कर रहे हैं। कहते हैं ये समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए पर साथ भाई बदल के लिख कर कहे वचन, पाती भी लिखे इत विद करत हो रोशन। अब श्री जी ने सुंदर साथ को पत्र लिखा था, सुंदर साथ ने भी फिर पुनः पत्राचार किया। अब उसमें क्या लिखा, कहते हैं हम सकुमार बाई की बात का किया विचार। सकुमार को जगाने का विचार मन में किया और क्या सोचा कि ये काम इतना सरल नहीं है। इनके दरबारी, इनके सैनिक, इनके जो धर्म गुरु काजी मौलवी हैं, ये ऐसे हैं कि औरंगजेब से मिलने नहीं देंगे। आज तक किसी ने भी इस तरह से प्रयास ही नहीं किया था। और दूसरा कि अगर हम एक बार को संदेश दे करके आ जाते, मान लो चिट्ठी पहुंचा के आ जाते, तो भी औरंगजेब की जागनी नहीं होती, क्योंकि किसी की जागनी कब होती है, जब उसके संशयों का निराकरण किया जाए। और किसी का भी संशय निवारण करने का तरीका क्या है, अगली जो चौपाई आने वाली है, यह हर प्रचारक के लिए, हर सुंदर साथ के लिए सिखापन है, कि केवल मंच पर बैठ करके चर्चा करने से जागनी नहीं होती। मंच पर बैठ करके चर्चा करना जागनी का एक हिस्सा है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन केवल उतना करने से जागनी नहीं होती है। क्योंकि मान लीजिए कि मैं एक प्रचारक हूँ, मैं मंच पर बैठ करके चर्चा करूं, लेकिन सुनने के लिए कोई व्यक्ति पंडाल तक कैसे आएगा, जिज्ञासा होगी तभी आएगा। तो श्री जी क्या कहते हैं, जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर। अगर केवल हम संदेश दे करके वापस लौट आते तो जागनी नहीं होती। जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर, जब तक घुटने जोड़ करके आपस में, घुटने जोड़ने का मतलब आमने सामने बैठ करके, जब तक चर्चा नहीं होती, जब तक सामने वाले की शंका का समाधान नहीं किया जाता, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता, तब तक जागनी संभव नहीं होती। इसीलिए वर्तमान युग में मंच पर बैठ करके चर्चा करने वाले प्रचारकों के साथ साथ में ऐसे भी प्रचारकों की आवश्यकता है जो ग्राउंड लेवल पर जाकर के, जमीनी स्तर पर, घर घर जाकर के वाणी की बात को, निजानंद दर्शन के सिद्धांत को प्रस्तुत कर सके। मंच पर बैठना, चर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसे सैकड़ों सुंदर साथ की आवश्यकता है जो अपने अपने क्षेत्र में कम से कम निजानंद दर्शन की प्राथमिक बातें समझा सके कि हमारा सिद्धांत क्या है। कम से कम उसने वाणी पढ़ी हो, वितक पढ़ी हो, थोड़ा बहुत धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो, और इतना बोल सके या इतना बता सके कि व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हो कि हम जाने कि निजानंद दर्शन क्या है। और जिज्ञासा होने के बाद जहां भी कार्यक्रम होगा, ऐसे जिज्ञासु लोग पहुंचेंगे, तब जाकर के पंडाल तक संख्या बढ़ेगी और मंच पर बैठ करके जो चर्चा सुनाने वाले हैं वो तब सुना पाएंगे। मंचीय कार्यक्रम वर्ष में कितने होते हैं, ज्ञानपीठ का वार्षिक उत्सव होता है तो एक साल में एक कार्यक्रम होता है जो 7 दिन के लिए होता है। इसी तरह से मान लीजिए कि होली के समय में 3 दिन का कार्यक्रम होता है,
बीतक एक महाव्यापी चलता है, पर बीतक में तो संख्या काफी कम होती है। तो कार्यक्रम हमारे साल भर में ज्ञानपीठ के अंदर 4-5 बार होते हैं, बाहर के भी कुछ कार्यक्रम होते हैं। अभी तो खैर प्रचारकों की संख्या थोड़ी बड़ी है, ज्ञानपीठ के जो पहले के विद्यार्थी थे अब प्रचारक के रूप में जगह जगह पर जाने लग गए हैं। पर ये जो प्रगति है ये भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अंधेरा बहुत है और अभी जुगनू की तरह हमारे प्रचारक टिमटिमा रहे हैं अलग अलग जगह पर। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर मौसम बदलना है, इस घने अंधकार को समाप्त करना है, तो फिर केवल जुगनू बनने से काम नहीं चलेगा, मसाल बनना होगा। और एक मसाल नहीं, ऐसे हजारों मसाल, ऐसे लाखों मसाल तैयार करने होंगे, एक से दूसरे को प्रकाशित करते हुए, प्रज्वलित करते हुए, जो समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाए। और उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो घुटने से घुटना बांध करके आमने सामने बैठ करके अपना समय दे सके। सबसे बड़ा इसमें योगदान किस चीज का होता है? इसमें पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगता है, इसमें लगता है समय। और समय जो है आज के युग में देखा जाए तो समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। क्योंकि समय निकालना मुश्किल है यदि हम इच्छा नहीं रखते तो। अगर समय निकालने की इच्छा नहीं है तो विभिन्न तरह के बहाने मिलेंगे, हमें ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, बिजनेस है, जॉब है, इस तरह से बहाने हमारे पास अनेकों होंगे। और अगर इच्छा होगी तो हम उपाय निकालेंगे। प्रतिदिन ऐसा कोई सुंदर साथ नहीं होगा जो एक घंटे का टाइम मैनेज न कर सके, हर कोई कर सकता है लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। जागनी हो ऐसा सब चाहते हैं, पर हमसे हो ऐसा कोई नहीं चाहता। जागनी में योगदान दे ऐसा सब चाहते हैं, पर खुद नहीं देना चाहते। सोचते हैं कि कोई और आकर के यहाँ पर उजाला कर दे। हमारे समाज में सुंदर साथ की अवस्था कैसी है? कहते हैं कि एक बार बीरबल कहीं जा रहे थे सुबह सुबह। बेर के पेड़ के नीचे दो लोग लेटे हुए थे। बेर का फल वहां पे पास में गिरा हुआ था और दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कि शव पड़ा हो, डेड बॉडी की तरह। लेकिन बीरबल ने देखा, पता नहीं कौन है, पास में गए तो थोड़ी थोड़ी शरीर में जान दिख रही थी। उन दोनों ने देखा ऐसे आधी आंख खोल कर कि कोई है सामने, उसको बुलाया इशारा करके उन दोनों लोगों ने। पता चला दोनों आलसी हैं, मरे नहीं हैं। और उसमें से एक आलसी बीरबल को बुलाता है और कहता है कि बिल्कुल बगल में एक बेर गिरा हुआ था, तो कहता है कि ये बेर उठा के ना पोंच के मेरे मुंह में डाल दो। तो अब बीरबल को गुस्सा आया, कहता है कि इतने आलसी हो तुम लोग, पास में बेर गिरा हुआ है, कम से कम वो तो खुद खा सकते हो। तो बगल वाला जो दूसरा था वो कहता है, साहब इतना आलसी है ये, इतना आलसी है, पूछो मत। रात भर एक कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा पर इसने नहीं हटाया। समझ रहे कैसे आलसी थे? बीरबल के जमाने के आलसी। जब कोई बीरबल के जमाने के आलसी कहे तो ये कहानी आप याद रखिएगा कि ऐसे वो दो आलसी थे। हमारे समाज की जो सुंदर साथ की अवस्था है वो भी कुछ ऐसी है कि कोई जागनी रूपी बेर उठा करके मुंह में डाल दे। हमें एफर्ट नहीं करना है, हमें कोई प्रयास नहीं करना है, तो कैसे होगा? और कारण यही है कि 350 वर्ष में विश्व का सर्वोच्च ज्ञान होने के बावजूद दावा जो हमने ये लिया कि दुनिया का ज्ञान जहां समाप्त होता है, स्वप्निक बुद्धि का ज्ञान जहां समाप्त होता है, वहां से हमारा ज्ञान प्रारंभ होता है। पर ऊंची दुकान और फीके पकवान की तरह, हमारे पकवान फीके नहीं है पर हमारी पैकेजिंग इतनी खराब है, हमारे दुकान की अवस्था भी इतनी खराब है और हमारे जो दुकान के कर्मचारी हैं उनकी अवस्था इतनी खराब है कि कोई आकर्षित होकर के हमारी दुकान तक पहुंचता ही नहीं है। न हमारे पास विश्व स्तर के उतने प्रचारक हैं
न हमारे पास विश्व स्तरीय उदाहरण देने लायक सेवा करने वाले सुंदर साधक हैं, और आवश्यकता भी दोनों की है। कमी केवल प्रचारकों में नहीं है, कमी केवल सेवादार सुंदर साथ में नहीं है, दोनों में है। प्रचारकों को अपना दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षकों को प्रचारकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, पर इसके लिए जरूरत है सेवा की, इसके लिए जरूरत है समर्पण की। आज आप यहाँ पर भी जितने सुंदर साथ बैठे हैं या जितने सुंदर साथ यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुनेंगे, हर किसी के घर में या जितने लोग चर्चा सुन रहे होंगे, सबके मन में होगा कि हमारे समाज में प्रचारकों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है। पर क्या आप में से ऐसा कोई है जो ये सोचे कि एक प्रचारक तो मेरे घर से जाए? कोई ऐसा सोचता है? नहीं। मेरे घर से, मेरे परिवार से कम मैं एक व्यक्ति को भेजूं, वो भी समर्पित भाव से, और वो प्रचारक बने, वो समाज को योगदान दे, ऐसा कोई नहीं सोचता। और यहाँ तक कि इसके विपरीत होता है। ज्ञानपीठ में कई बार विद्यार्थी आते हैं, बचपन में आते हैं, बेचारे बच्चों को तो कुछ अता पता भी नहीं है। उनको पूछा जाए कि क्यों आए हो, तो शुरुआत में तो माता पिता ने सिखाया होता है कि हम विद्वान बनेंगे, राज्य की सेवा करेंगे, तो आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, और फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, जब शरीर में जान आती है, जब कुछ करने लायक होते हैं, उसके बाद वही माता पिता किसी न किसी बहाने से वापस भी बुला लेते हैं। और जब बाहर का थोड़ा सा रस लग जाता है, उसके बाद फिर ज्ञानपीठ में कमियां दिखने लगती है। ज्ञानपीठ की व्यवस्थापन में और ज्ञानपीठ के सुविधाओं में कमियां दिखने लगती है। जबकि आप यदि ज्ञानपीठ के विद्यार्थियों की दिनचर्या और विद्यार्थियों को मिल रही सुविधा को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक उच्च स्तरीय सुविधा संपन्न स्थान है, जहां पर एक विद्यार्थी को जो जो वस्तु की आवश्यकता है वो सारी वस्तु मिलती है। और केवल वस्तु नहीं, वस्तु दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है कि उन विद्यार्थियों को जिस अपनेपन के साथ में स्वामी जी संबंध निभाते हैं, यह ज्ञानपीठ के अनेक आचार्य संबंध निभाते हैं, मुझे लगता है कि घर के माता पिता से भी अधिक स्नेह स्वामी जी देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जाने का जब मन में ठान ही लिया है, क्योंकि ये बात मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि ज्ञानपीठ के प्रारंभ से लेकर के अब तक जितने विद्यार्थी आए और गए, अब देखिए मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। जब हम एक जानवर को भी पालते हैं, मान लीजिए कि कुत्ता हमने घर में रखा, ठीक है, एक महीने तक अगर रखते हैं, वो भी अगर गुम हो जाए तो हमें दुख होता है कि नहीं होता है? ठीक है, सोचिए कि बच्चे जब जाते होंगे तो दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? ठीक है, मनुष्य हैं और उनके साथ जितना स्नेह का व्यवहार किया जाए, और उसके बाद जाते हैं तो दुख तो होता ही है। फिर शुरू शुरू में तो मैं स्वामी जी को कहता था कि स्वामी जी बच्चे जा रहे हैं तो आपको दुख तो होगा। स्वामी जी कहते थे कि देखिए, पशुओं को बांध के रखा जा सकता है, मनुष्य के लिए एक ही बंधन होता है, अगर रुकना हो तो वो बंधन होता है प्रेम का। और जिसे प्रेम के बंधन ने नहीं बांधा, फिर वो किसी दूसरे बंधन से नहीं बंध सकता है। फिर वो भगने का जरिया सोचता है कि किस तरह से भागा जाए, ठीक है। और इसमें कारण कहीं ना कहीं अभिभावक होते हैं। पहला जो कारण है वो अभिभावक है। अगर अभिभावकों का कारण नहीं होता तो बच्चों के मन में पहले से ही ये सोच होती कि अगर मैं चला भी गया ना तो मेरे माता पिता डांट के या पिटाई करके भी वापस ज्ञानपीठ भेज देंगे, इसलिए जाने की वो नहीं सोचेगा। और दूसरा, अगर घर के लोग, परिवार के या सगे संबंधी, मैं केवल माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ या बहनों की या भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी तो माता पिता या जो परिवार के नजदीकी लोग होते हैं उनको ज्ञानपीठ में रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं या कुटुंब के जो लोग होते हैं, उन्हें
आपत्ति होती है। कहते हैं कि देखो हमारा बेटा ये कर रहा है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ठीक है, हमारा बेटा अब इतने से दो तीन साल के बाद नौकरी करने लायक होगा और तुम्हारा बेटा देखो आश्रम में है। तो उन्हें लगता है कि ज्ञानपीठ में रहना, एक प्रचारक बनना, एक विद्वान बनना, एक समाज की सेवा करना या एक विशेष प्रकार के वस्त्र में या अनुशासन में रहना, ये छोटा काम है और इसलिए कहीं ना कहीं ये हीन भावना डाल दी जाती है। अब ऐसा तो नहीं कि बच्चे को हम बात करके रखें। बच्चे जब जब भी अपने घर जाते हैं, घर जाने के बाद वो ऐसा माहौल देखते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग इसी तरह से बुद्धि को नकारात्मक करने की बात करते हैं और फिर वापस आने के बाद, क्योंकि एक बार बुद्धि नकारात्मक हो गई फिर कमी दिखने लग जाएगी कि मैं ऐसा कौन सा बहाना करूं कि मुझे जाने को मिल जाए। इसलिए कमी सब तरफ है। हमें यदि जागनी का कार्य करना है तो कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। कलेक्टिव एफर्ट का मतलब सुंदर साथ अपने तरफ से अपना बेस्ट योगदान दे, अपना सर्वश्रेष्ठ दे, प्रचारक अपने तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ दे और जो विद्यार्थी हैं वो भी अपना सर्वश्रेष्ठ दें कि हम जिस लक्ष्य के साथ आए हैं वो केवल जबान से नहीं हो कि हम हमें कोई सुंदर साथ पूछे कि ज्ञानपीठ में क्यों आए तो ये सिर्फ उत्तर देने के लिए कि नहीं हम विद्वान बनना चाहते हैं, ऐसा ना हो। हमारा वास्तविक प्रयास हो कि हमें विद्वान बनना है, विद्वान के जैसे लक्षण हो, एक अच्छे विद्यार्थी के जैसे लक्षण हो कि हमें सीखते रहना है कुछ ना कुछ। इस तरह से जब सभी अपने अपने तरफ से प्रयास करेंगे तब जाकर के ये मकसद पूरा होगा, तब जाकर के इतने लोग तैयार होंगे जो इस मकसद को कि जो लोग घुटन सो घुटन बांध के सुनावे इन पर ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा, अन्यथा इसी ढर्रे से चलता रहेगा। हम बच्चे थे जब ज्ञानपीठ आए थे, मैं 13 वर्ष का था, अब 31वां साल चल रहा है। ऐसे ही देख देख करके सुंदर साथ को वही चेहरे देख करके उसी ढर्रे में चल चल करके अगले 30 साल गुजर जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, अगली तीसरी पीढ़ी आएगी और वो चलता ही रहेगा, ऐसे जागरूक होगी। किसी न किसी को इस युद्ध में, इस मैदान में, इस ज्ञान के युद्ध के मैदान में उतरना ही होगा और इसमें एक दो से काम नहीं चलेगा। जब हमने ये दावा लिया है मुक्त देशे ब्रह्मांड को या निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकि सब दुने राह देखकर, तो जितना लक्ष्य बड़ा है प्रयास भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। ये सिखापन हमें इस पत्र से मिलती है। अब आगे कहते हैं श्री जी कि देखिए आपने जो काम किया है उस काम के लिए सुंदर साथ प्रेरित होने चाहिए। आपको एक बात बताता हूं, भगत सिंह अगर चाहते तो असेंबली में बम फोड़ने के बाद आराम से भाग सकते थे और वैसे भी वो तो रूप बदलने में, वेश बदलने में माहिर थे, ऐसा आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा और उनकी जो मूवी आई थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह उसमें देखा भी होगा, ये सच्चाई है। वो वेश बदलने में भी माहिर थे और सोचे कि दो ही बम क्यों लाते, है कि नहीं, दो चार एक्स्ट्रा लेकर के आते, अगर कोई बीच बचाव करने आता या पकड़ने आता तो उसके ऊपर फोड़ देते, आराम से बच सकते थे, उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं था, पर जानबूझ करके स्वयं को पकड़ाया। क्यों बता? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी कुर्बानी से पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के खून में उबाल आए। वो चाहते तो अंग्रेजों को मारते हुए युद्ध में भी शहीद हो सकते थे, पर उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता, शहीदों में गिनती होती, पर प्रभाव उसका कैसे पड़ा कि वो जेल में गए, ट्रायल चला, मीडिया ट्रायल हुआ, कोर्ट में जो कुछ होता था समाचार पत्र के माध्यम से पूरे देश तक बात पहुंचती थी और उसके बाद फिर जब फांसी हुई तो इतने दिनों में असेंबली में बम फोड़ने से लेकर के फांसी होने तक इतने दिनों में पूरे देश में ये बात फैल गई और क्रांति आई। इसी तरह से ये जो 12 सुंदर साथ गए हैं औरंगजेब के दरबार में, इसका भी उद्देश्य वैचारिक क्रांति लाना था। इसीलिए श्री जी ने कहा
कि अगर वैचारिक क्रांति लाना है तो सब जगह पर उस विचार को पहुंचाना आवश्यक है। इसके लिए क्या करना होगा? पत्र व्यवहार। तो कहते हैं तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर, क्योंकि उस समय तो ये समाचार पत्र इत्यादि का कोई माध्यम था नहीं, चिट्ठी लिखी जाती थी। तो श्री जी ने कहा कि तुम सब सुंदर साथ को चिट्ठी लिखना। नौतनपुरी, खंबालिया, पोरबंदर, मंडई, ठठा नगर, सूरत, खंबात, अहमदाबाद, भरूच, सिद्धपुर, उदयपुर, सब जगह पर चिट्ठी लिखना। और कहते हैं कि ऐसे नहीं दब दब करके नहीं लिखना। कैसे लिखना? रो धो करके नहीं लिखना, सबको वस्त्र दिखाए के खंडनी लिखियो तुम। कहते सुंदर साथ को खंडनी करके लिखना, ताकि सुंदर साथ को चुभे कि केवल माया में डूबे रहने का, माया में बैठे रहने का समय नहीं है। रोते धोते प्यारे सुंदर साथ जी करके नहीं लिखना। कहते हैं गल गलते रोते जिन लिखो कहो चोखा लिखत है हम। स्पष्टवादी होना आवश्यक है। निंदा और खंडनी दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए कि किसी को ईर्ष्या के वशीभूत होकर के अगर मैं नाम लेकर के मंच से कुछ कहूं तो वो निंदा है, वो नहीं करना चाहिए। पर समस्त समाज को जागरूक करने के दृष्टि से यदि मैं कुछ कठोर शब्द कह रहा हूं तो वो खंडनी है, वो आलोचना है और उसकी आवश्यकता है। देखिए बीमारी पुरानी है, होम्योपैथी की मीठी मीठी गोली से मिटने वाली नहीं है। इसके लिए कड़वा घूंट पीने की आवश्यकता है, कड़वा काढ़ा पीने की आवश्यकता है। यदि शरीर में कोई फोड़ा जिसमें मवाद भरा हुआ है, सहलाने से तो काम नहीं चलेगा, उसको चीर करके या उसको दबा करके उसका पस निकालने की आवश्यकता है। आज 350 वर्षों से सोते सोते हमारे सुंदर साथ की अवस्था भी कुछ ऐसी हो गई कि ऐसे सहला करके बाबू उठ जा करने से उठने वाले नहीं। इसलिए कुछ कठोर शब्दों की आवश्यकता पड़ती है और कई बार मैं उन कठोर शब्दों का प्रयोग करता भी हूँ। श्री जी क्या कह रहे हैं कि खंडनी लिखियो तुम, रोते दोते नहीं लिखना है। कहते हैं जो कोई तुमको उत देवे दुख तिसका सिर हम भान के उत देवे सुख। यदि सुंदर साथ में किसी ने भी आपको दुख दिया अपने वचन के माध्यम से, श्री जी कहते हैं कि हम उसके अहंकार रूपी सिर को समाप्त कर देंगे। सोचिए कि जिन सुंदर साथ ने राज्य के चरणों में सर्वस्व समर्पित किया तो श्री जी उनके बारे में कितना सोच रहे हैं। और कहते हैं कि हम जो भेख बदल के बैठे बीच दरबार सो उल्टो सीधा करने तरफ परवरदिगार। आप लोग वेश बदल करके गए हैं तो ये क्यों गए हैं? कोई फैशन के लिए तो नहीं कि मुसलमानों का वेश धारण करके गए? हाँ, उस समय सुंदर साथ में अंदर अंदर ये कानाफूसी होने लग गई थी कि देखो ये हिंदू होकर के मुसलमानों के कपड़े पहने, इन्होंने धर्म भ्रष्ट किया। श्री जी कहते हैं कि ये तो औरंगजेब के दरबार में बिगड़े हुए काम को सीधा करने में, सो उल्टो सीधा करने, बिगड़ा हुआ काम सीधा करने का तात्पर्य है जो औरंगजेब धर्म के अर्थ को बिगाड़ रहा था, अर्थ का अनर्थ करके हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने वेश बदला। और हम वेशभूषा से भला क्यों डरे और हम वेशभूषा के बंधन में क्यों रहे? कहते हैं जात वेश जो तुम रखा ताको श्री देवचंद्र जी भान्या सिर। श्री जी कह रहे हैं सुंदर साथ को पत्र के माध्यम से ये बताना कि जो आप जाति वेशभूषा का फर्क रखते हो, श्री देवचंद्र जी ने तो उसे पहले ही समाप्त कर दिया था। इस तरह से पाती कैसे लिखनी? ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े करो। सुंदर साथ को उठाना है, जो माया में सो रहे हैं उनको उठा करके खड़े करना है। और चार वचन जिन भात के तैसे तहां धरो। जैसे शब्दों की आवश्यकता है, दो चार बातें अगर सुनानी भी पड़े कड़वी खंडनी वाली तो उसको सुनाइए। और
जो जैसी अवस्था में है उनको उसी तरह से चिट्ठी लिखनी। बिहारी जी को भी लिखिए, नाग जी भाई, अक्षय भाई, सबको चिट्ठी लिखें और ये देखें कि बिहारी जी क्या जवाब देते हैं। कहते हैं, अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहरी पाखर। पाखर कहते हैं जो सुरक्षा कवच होती है ना, उसको कहते हैं पाखर। कहते पहली बात तो तुम केसरी सिंह हो और ऊपर से तुमने कवच भी धारण किया, तो इसलिए तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जो जैसा है उसको उसी प्रकार लिख करके भेजना। और एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, माया की वास्तविकता बताना चाहता हूँ। दयाराम जी जो 12 मोमिनों में शामिल है, उनके भाइयों ने औरंगजेब के दरबार में ये मुनादी फिरवाई है। कहते हैं कि जो दयाराम को मार डालेगा, सोचिए सगे भाई को, जो दयाराम को मार डालेगा उसको हम 4000 रुपया देंगे। ये बात किसने की? दयाराम ने। क्यों? 4000 का मतलब सोचिए आज के हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख से ज्यादा ही होंगे। पैसा देकर के अपने भाई को क्यों मरवाना चाहते हैं? झूठी प्रतिष्ठा के कारण कि ये मुसलमानों का वेश धारण करके मुसलमानों के बीच में रह रहे हैं तो जाति बिरादरी में हमारी नाक कट गई। तो क्या कह रहे हैं श्री जी कि तिस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत, मार डारत भाई को पैसे दे के इत्र। कि केवल लोकलाज मर्यादा के लिए, अपनी शर्म के लिए अपने ही भाई को पैसा दे करके मरवाना चाहते हैं। वास्ते अपनी शर्म के, सब में यही स्वार्थ। पूरी दुनिया के जितने भी संबंध है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ से ही टिके हुए हैं। गोविंद भेड़े इन भात के, ए नजर में राखी औरत। श्री जी सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि संसार के जो संबंध है वो स्वार्थ के संबंध है, इसलिए आपको उस तरफ बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम जान शिरोमन हो, भूलोगे ना तुम। कहते हैं कि आप तो ज्ञानी हैं, शिरोमणि हैं। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को नहीं भूलेंगे। सुंदर साथ में आप सिरदार हैं और इसीलिए मैंने आपको कैसे समझाया है, तुम साथ मिने सिरदार, छाती काढ़ के कहे सुकन। मैंने अपने हृदय के उद्गार आपको सुनाए हैं, समझाए हैं। अब जब भी मैं निश्चित समय देखूंगा, नियत समय देखूंगा, मैं आपको वहां से आने का निर्देश दूंगा, बुला लूंगा। जहां जहां पर भी पत्र लिखें तो वहां पर सुंदर साथ को उनकी खोज खबर भी लेनी है। कहते हैं कि तिस वास्ते ए भोम है हांसी का ठौर, कोई न होवे जागृत बिना हुकम कोई और। जहां जहां भी पत्र लिखना है तो उन सुंदर साथ को ये बात समझना आवश्यक है कि ये कैसा स्थान है, हांसी का स्थान। इसलिए जब तक राज्य का हुकम नहीं होगा तब तक जागृति नहीं हो सकती। कहते हैं, जो कदी आकार से मैं जुदा रहूं दो दिन, अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन। शरीर से तो हम दो चार दिन के लिए जुदा हैं, अलग अलग हैं, पर अंदर से हम सब एक हैं, हमेशा साथ में हैं, हमेशा मिले हुए हैं। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए न जुदी आत्म। ये चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री जी क्या कहते हैं? सुंदर साथ जी, आपने अपनी सेवा भावना से और अपने समर्पण से मुझे खरीद लिया है। मोल लेने का तात्पर्य क्या है? खरीद लेना। इसीलिए आपकी आत्मा से मेरी आत्मा कभी भी अलग नहीं हो सकती। और यहाँ की बाकी जो कुछ भी बात है, चिट्ठी में कहाँ तक लिखी जाए, शेख बदल जी आपके पास आएंगे तो वो सारी बात कहेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देखा है। मैंने अपने दिल की बात उन्हें बता दी है। ये शेख बदल वही है जो 12 सुंदर साथ में शामिल है, पर ऐसा प्रतीत होता है
क्योंकि जैसे 12 सुंदर साथ हैं तो चिट्ठी का आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि 12 जेल में तो नहीं है, नजरबंद में है, अभी मुसलमानों के बीच में है, तो एक व्यक्ति को उन्होंने छोड़ दिया है, छूट दिया है बाहर आने जाने का, क्योंकि उनको पता है कि एक जो है वो बाकी 11 को छोड़ के ऐसे तो नहीं भागेगा, इसलिए उन्होंने खतरा नहीं देखा। तो शेख बदल जी को बाहर आने जाने की अनुमति मिल रही है। श्री जी शेख बदल के हाथ से ही वो पत्र भिजवा रहे हैं और क्या कहते हैं, हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो कुम, आप जो सुंदर साथ हैं सब सुख पूर्वक रहना, और आप जो इकट्ठे रह रहे हैं, एकता पूर्वक रह रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, उसका मुझे बहुत ही सुख है। दिन जागनी के आए नजीक, शाबाश लाल भाई तुम। लाल भाई जी कौन है? लालदाह जी की पत्नी, जो 12 मोमिनों में शामिल नहीं है पर उनकी सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए दिल्ली में ही ठहरी हुई है। तो उन्हें भी श्री जी शाबाशी देते हैं, कहते हैं, तुम सूर धीर पना किया, आगे धरे कदम, अब शेख बदल आए, सुख पावे तुम्हारी आत्म। शेख बदल जी आएंगे और यह चिट्ठी मिलेगी उनके माध्यम से, तो आपको सुख होगा, सुख समाधान आनंद की, रहो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम, लाल बाई को कहती। विशेष रूप से लाल बाई जी को भी प्रणाम लिखा, क्योंकि एक स्त्री होने के बाद भी ये हिम्मत रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुंदर साथ की सेवा में शामिल हूँ। पकड़े जाने का तात्पर्य यदि कुछ भी उल्टा सीधा होता तो पकड़े जाने का तात्पर्य मृत्यु ही, लेकिन एक स्त्री तन में होने के बावजूद भी उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, जो सूर वीरता दिखाई, तो इसके लिए उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। और आगे कहते हैं, श्री महामती कहे, ए मोमिनो, ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूं फरदा रोज कयामत। अब ये चिट्ठी की हकीकत है, चिट्ठी की वास्तविकता है कि श्री जी ने क्या क्या बात लिखी थी। इसको हमने बहुत संक्षेप में सुना, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ यदि विस्तार पूर्वक चर्चा करते तो छोटी पत्री और बड़ी पत्री में कम से कम 3 दिन का समय लग जाता, और अभी क्योंकि समय का अभाव है, आज कौन सा दिन बता रहा था बाला, 23वां दिन है, अभी हमारे पास 7-8 दिन का ही समय है। तो संक्षेप में हमने पत्र का भाव सुना। अब आगे का जो प्रसंग है, इस प्रकरण का शीर्षक है, अब दिल्ली छोड़ उदयपुर आए। श्री जी दिल्ली में, दिल्ली के बाहर समझ सकते हैं, कामा पहाड़ी में ठहरे हुए हैं। अब उन्होंने सुंदर साथ से अनुमति मांगी थी कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं किसी राजा को जगाऊं, और ऐसा कहते हुए श्री जी के मन में यह था कि राजस्थान जो वीरों की धरती है, जहां पर क्षत्रिय वंश में विशेष रूप से 3 वंशों का राज्य चल रहा था, मेवाड़, चित्तौड़ इत्यादि में, तो श्री जी ने सोचा कि अगर मैं उनकी जागनी करता हूं, अगर वह जागृत हो जाते हैं, अगर उनमें साकुमार साकुंडल की आत्मा है, तो ये अवश्य ही धर्म युद्ध के लिए तैयार होंगे। ये सोच करके उन्होंने अनुमति मांगी। सुंदर साथ ने श्री जी को कह दिया कि आप जा सकते हैं, आप हमारे चिंता ना करें। श्री जी कामा पहाड़ी से होकर के आमेर पहुंचते हैं राजस्थान में, वहां 1-2 दिन रहने के बाद वहां से चल करके सांगानेर पहुंचते हैं। उस समय मुकुंद दास जी, जिनको श्री जी ने गोवर्धन जी और लालदाह जी के विवाद के बाद उदयपुर भेजा था, तो वो उदयपुर में ही ठहरे हुए थे। उन्होंने जब सुना कि श्री जी साहब आए हैं सांगानेर में, तो उदयपुर से वो सांगानेर आते हैं, लेकिन अब वहां से चल करके उनको पता चला कि श्री जी आमेर में हैं, तो वो आमेर के लिए भी निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चला कि नहीं, श्री जी साहब तो सांगानेर में हैं, क्योंकि आजकल की तरह तो सिस्टम था नहीं, आजकल तो हम जहां जहां भी जाते हैं पहले से ही पता होता है फोन के माध्यम से। तो इस तरह से परेशानियों को झेलते हुए
श्रीजी तो पहुंचे ही हैं सांगानेर, इधर मुकुंद दास जी भी सांगानेर के लिए चलते हैं। चूंकि वो विभिन्न ग्रंथों की चर्चा करते थे लोगों के बीच में, तो जहां जहां भी चर्चा के लिए जाते हैं उन्हें दान दक्षिणा भेंट स्वरूप कुछ धन मिलता है। तो उन्होंने कमर में थैले में वो कुछ पैसे बांध रखे थे। तो रास्ते में जो आदिवासी लोग थे वो मुकुंददास जी को देख करके उस पैसे के लालच में लूटने के लिए भगाते हैं। अब मुकुंददास जी जैसे तैसे वहां से जान बचा करके भागते हैं और एक स्थान पर पहुंचते हैं, पूर नाम के स्थान। वहां उन्होंने देखा दूर से कि श्रीजी साहब बैठे हुए सामने एक खाट पर, पास में छबिलदास जी खड़े हैं और मलुकचंद जी, ये दोनों खड़े हैं। दोनों दुखी हैं और दुखी होने का कारण है कि दोनों भूख से पीड़ित हैं, पैसा भी नहीं है उनके पास। तो उन्होंने उनको देख करके मुकुंददास जी के मन में आया कि ये भूख से पीड़ित हैं। जब बात पता चली तो भोजन की, राशन इत्यादि की, सब्जी इत्यादि की व्यवस्था की, बाजार से सामान लेकर के आए। अब उधर सुंदर साथ ने श्री जी को जाने की अनुमति तो दे दी आगे कामा पहाड़ी से, लेकिन उनके मन में आया कि हमने श्री जी को जाने को तो कह दिया, लेकिन उनके पास पैसा होगा कि नहीं होगा, आगे की यात्रा वो कैसे करेंगे। तो उन्होंने तुरंत ही आपस में विचार विमर्श किया और शेख बदल जी को भेजा। दिल्ली के शेख बदल जी आते हैं, दिल्ली के सुंदर साथ से सबसे इकट्ठा करके 300 रुपए लेके आते हैं। मुकुंददास जी के पास थे 400 रुपए। इधर उधर जो कथा इत्यादि करके उनको जो भी प्राप्त हुआ होगा जहां से भी आया, तो मुकुंददास जी के पास 400 रुपए थे। उन्होंने उसमें से बाजार से जो भी आवश्यक सामग्री थी वो ला करके दे दी। सुंदर साथ ने भोजन किया। शेख बदल जी के पास जो 300 रुपए थे उन्होंने आकर के श्री जी के चरणों में समर्पित किया। अब यहाँ जितने भी प्रचारक वर्ग हैं इस बात को विशेष रूप से बताते हैं, बताना भी चाहिए कि शेख बदल जी ने जो कुछ था उनके पास सब श्री जी के चरणों में रखा, और वो आए भी इसीलिए थे। लेकिन मुकुंददास जी ने पैसे नहीं दिए। मुकुंददास जी ने केवल राशन इत्यादि की व्यवस्था की, बाकी पैसे उन्होंने अपने पास ही रखे। अब जब इस विषय में बात की जाती है तो मुकुंददास जी की छवि थोड़ी सी नकारात्मक होती है, नकारात्मक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भले ही दोनों के बीच में तुलना करने पर शेख बदल जी ने सब कुछ सौंपा है और मुकुंददास जी ने केवल कुछ सेवा की है, लेकिन हमें उन दोनों में तुलना करके एक को छोटा और एक को बड़ा नहीं करना चाहिए। जबकि हमें स्वयं को देखना चाहिए कि क्या हम मुकुंददास जी की जितनी भी सेवा कर पाते हैं। शेख बदल जी ने तो सर्वस्व समर्पण किया, वो प्रशंसनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अगर दोनों में तुलना करके एक को छोटा एक को बड़ा कह देंगे तो हम वास्तव में क्या सीखेंगे। मान लीजिए कि उनके पास 400 रुपए थे जो उनकी कितने दिनों की उनकी बचत होगी या कमाई जो भी समझ सकते हैं, जहां जहां पर भी गए होंगे, जिन जिन लोगों ने भी दिए होंगे, उसमें से कम मान लीजिए 400 रुपए में से 4 रुपए तो खर्च किए होंगे राशन इत्यादि में। इसका मतलब हुआ उनके संपूर्ण धन का 1%। ठीक है, क्या हम में से कोई है जो अपने प्रॉपर्टी में से 1% भी सेवा में खर्च कर सके? अगर कर रहे हैं फिर तो ठीक है, और दूसरा केवल धन दे करके भी हम मुकुंददास जी की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुकुंददास जी ने जो समर्पण किया है, कैसा समर्पण जानते हैं? मुकुंददास जी के विषय में एक प्रसंग जो प्रचलित है, जो लालदास जी के अभी तक में तो नहीं है, लेकिन ये प्रसंग किन्हीं और दूसरी वितकों में है जो प्रचलित है।
कहते हैं कि मुकुंद दास जी नई नई शादी हुई थी, नव विवाहित थे। उन्होंने सुना श्री जी के बारे में, तो आंगन में जाते हैं, घर के अंदर भी नहीं, बाहर से ही अपनी पत्नी को बोलते हैं कि प्राणनाथ जी के साथ चलना है, जाना है। उनकी पत्नी ने कहा अभी अभी तो शादी हुई, ऐसे कैसे चल दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम नहीं चल सकते हो तो तुम रहो घर पे, अच्छे से रहो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ये कह करके प्रणाम करके वो आए श्री जी के चरणों में, और उसके बाद घर वापस गए। तो ऐसे कुर्बानी तो नहीं कर सकते हम। और उदयपुर में भी वो तो प्रचार प्रसार ही तो कर रहे थे ना हमेशा। हम अगर केवल धन की सेवा इतनी कर रहे हैं तो फिर मुकुंद दास जी की बराबरी करने का तो सवाल ही नहीं होता। और सोचिए इन्होंने भाव सिंह की जागनी के लिए लाठी खाई है रामदास जी की, तो इसलिए उनके साथ तुलना करना बेमानी होगी। हाँ, हम कोशिश करें कि शेख बदन जी की राह पर चल सके, हम कोशिश करें कि अन्य सर्वस्व समर्पण करने की राह पर चल सके, लेकिन फिर भी मुकुंद दास जी को गलत कहने का मुझे लगता है कि हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं। अब इस तरह की घटना हुई, रात को वो श्री जी के पास बैठे हुए थे, तो वो बात करते हैं कि श्री जी के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने बात छेड़ दी दिल्ली के प्रसंग की, तो श्री जी कहते हैं कि देखो अब मैं इन्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, इन्होंने मेरे सुंदर साथ को कष्ट पहुंचाया है, तो किसी भी तरह से मैं इन्हें समाप्त कर दूंगा जड़ मूल से। श्री जी का वो जोश देखा उन्होंने, पूरी हिम्मत देखी, और फिर कहते हैं श्री जी साहब यहाँ पर एक संप्रदाय है जिसका नाम है जरगा पंथ, और वो ऐसा संप्रदाय है कि यहाँ 1,00,000 लोग मिल इकट्ठे होते हैं। सोचिए उस समय 1,00,000 लोग इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात। तो कहते हैं कि इत जरगा पंथी बहुत है, तहां आदमी मिले लाख, लाख लोग इकट्ठे होते हैं, और इनके संप्रदाय को चलाने वाले का नाम है धनी बाबा, और इनके संप्रदाय में जो बातें होती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी बात लगती है, ब्रह्म सृष्टियों की बात लगती है। जब ये बात सुनी श्री जी ने कहा कि आप जाओ, जा करके उनसे बात करो, धनी बाबा के जो पंथ के लोग हैं उनसे बात करके उन्हें समझाओ, प्रबोधित करो, और हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें बुलाओ। वहां से श्री जी का आदेश पा करके मुकुंद दास जी और मलुक चंद जी जाते हैं जागनी के लिए, धनी बाबा के जो पंथ है जरगा पंथी, उन लोगों की जागने के लिए। अब रास्ते में फिर से वो आदिवासियों ने देखा और उन्हें लूटने के लिए फिर से भगाया, जैसे तैसे भाग करके उन्होंने जान बचाई। ये विडंबना है, पर कैसी विडंबना? मुझे लगता है कि कोई ईसाई व्यक्ति अपने पादरी को लूटने के बारे में नहीं सोचता होगा। एक मुसलमान अपने मौलवी को लूटने के विषय में नहीं सोचता होगा, पर ये हिंदू साधुओं को लूट रहे हैं, और वो भी उस धरती में जो कि हिंदुत्ववादी या हिंदुत्व के रक्षक राजाओं की धरती कही जाती, तो ये विडंबना थी। और इसी परंपरा ने, इन्हीं त्रुटियों ने कहीं ना कहीं हिंदुत्व का बेड़ा गर्क किया है, अपने ही साधुओं को लूटने की प्रवृत्ति ने। तो किसी तरह से वहां से बच करके पहुंचते हैं उदयपुर, और लाधू मसानी नाम के व्यक्ति से मिलते हैं, श्री जी की चर्चा करते हैं, और कुछ समय के बाद लाधू मसानी श्री जी से तारतम्य ले लेते हैं। अब जो सुंदर साथ अनूप शहर में ठहरे हुए थे कई, जिसमें बाईजीराज जी भी थी, श्री जी उनको बुलाते हैं। बाईजीराज जी आती हैं उदयपुर, तो श्री जी भी यहाँ से उदयपुर पहुंचते हैं। उधर क्योंकि लाधू मसानी की जागनी हो चुकी थी, श्री जी लाधू मसानी के घर पे जाकर के मिलते हैं, और जिन्होंने श्री जी की बहुत अधिक सेवा की। अब यहाँ पर उदयपुर में जागनी होने लगी, नए लोग आने लगे, श्री जी चर्चा करने लग गए, तो
तो श्री जी की जब चर्चा होती है दो राजपूत आते हैं, श्री जी की चर्चा सुनते हैं और कुछ पहचान करके तारतम ग्रहण करते हैं। इस समय श्री जी की चर्चा में कुछ मुस्लिम लोग आने लगते हैं, जिनमें से एक का नाम है नूर मोहम्मद। यहाँ कोई शादी हो रही थी और बारात में ये सब लोग आए हुए थे। एक सैयद था उसमें, बारात में आए हुए हैं, पर श्री जी की चर्चा सुन करके उन्हें ऐसा दृढ़ विश्वास आता है कि वो वहां पर तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से कुछ मुसलमानों की जागनी प्रारंभ हुई। फिर भिखू, सोनी, राधा, रुक्मिणी, सोना, मयाराम, इस तरह अनेक सुंदर साथी जिनकी जागनी होती है। इधर श्री जी के द्वारा जागनी की लीला चल रही है उदयपुर में, और उधर जो सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में गए थे उनको वहां रहते हुए 4 महीना बीत जाता है। अब उन्होंने देखा कि 4 महीने सुनाने के बाद भी ढाक के 3 पात की तरह किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी श्री जी को कि श्री जी साहब, हमने प्रयास किया पर संभावना नहीं दिख रही है, अगर आपकी अनुमति हो तो हम आ जाएं। श्री जी ने पत्र लिखा उत्तर में कि अब आप आ जाइए, ये ऐसे नहीं जागने वाले। जब इन पर परमात्मा की तरफ से लाठी बरसेगी, अर्थात कोई ऐसी घटना होगी, जब ये हारेंगे, जब इनको ठोकर लगेगी, तब जाकर के ये सावधान होंगे। इसलिए अभी के लिए आप लोग आ जाइए। जैसे ही सुंदर साथ ने ये चिट्ठी पढ़ी, उन्हें इतनी खुशी हुई कि अब हम श्री जी से आखिरकार मिलने जा रहे हैं। अब सुंदर साथ तक ये बात पहुंची। सुंदर साथ ने शेख इस्लाम, क्योंकि उसी के यहाँ ठहरे रहे थे, तो शेख इस्लाम से कहा कि हम अब आपसे विदा लेकर के जाना चाहते हैं। काजी ने कहा ठीक है, पहले मैं सुल्तान से बात कर लूं, औरंगजेब से मुलाकात कराऊं, वो अगर छुट्टी दे देते हैं तो आप लोग चले जाइए, पर आप परसों आना। इस तरह से 2 दिन अब सुंदर साथ रुकते हैं और तीसरे दिन सुल्तान के सामने सुंदर साथ को इकट्ठा किया जाता है। काजी शेख इस्लाम औरंगजेब को कहता है कि ये वही मोमिन हैं जो उस दिन आए थे, तुमसे बात की थी। तो सुल्तान ने 3 बार आसमान की तरफ देखा और अपने खजांची को आदेश दिया कि इन्हें रास्ते के खर्च के लिए 100 रुपया दिया जाए। उन्होंने दिया, सुंदर साथ ने वहां से विदा ली और विदा लेकर के अगले ही दिन वहां से चले और चल करके उदयपुर पहुंच करके श्री जी से पुनः 4 महीने के बाद मिले। जब श्री जी से मिले तो अब पुनः अपनी वेशभूषा, जो पहले वाली थी हिंदुओं वाली वेशभूषा, उस वेशभूषा में मिलते हैं। अब उन सब सुंदर साथ का यहाँ पर नाम बता रहे हैं कि लक्ष्मण अर्थात लालदास जी हैं, भीम भाई, श्याम जी, खीमाई भाई, गरीब दास, जितने सुंदर साथ थे वे सभी आते हैं। अब इस तरह अनूप शहर में ठहरे हुए सुंदर साथ भी उदयपुर आए, औरंगजेब के दरबार में जो थे वो भी उदयपुर में हैं, तो श्री जी के साथ अब सब सुंदर साथ मिलते हैं और चर्चा का प्रवाह चलता है। उस चर्चा में कहते हैं दर्शन राज के हो वहीं बड़ा रोशन हुआ जहूर। श्री जी की चर्चा में लोगों को राज्य के दर्शन होने लगे। कैसे? कहते हैं जाको दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन विध, मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। जिसके मन में जैसी भावना होती है, कोई ब्रज वाले स्वरूप का दर्शन चाहता है तो वैसा ही दर्शन, कोई रास के स्वरूप का दर्शन चाहता है तो उसी रूप में, कोई अगर मुसलमान आ रहा है उसके मन में है कि हम मोहम्मद को देखना चाहते हैं तो उन्हें मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन होता है, कोई परम नाम वाला स्वरूप देखना चाहता है तो उसी रूप में दर्शन होता है। इस तरह लोग आने लगे। अब वहां का जो राणा था उदयपुर का, उसने जब ये बात सुनी कि इस तरह से कोई साधु आए हैं चमत्कारी, जिनके पास बहुत सारे लोग आते हैं और बातें एक तरह की नहीं, अनेक तरह की, कैसी कैसी बात सुनी, कोई स्तुति करता है, कोई निंदा करता है। स्तुति करने वाले कहते हैं कोई कहे बड़े साधु है, कोई कहता है कि बहुत बड़े साधु हैं,
इनकी अनंत लोचन, इनकी अनंत ज्ञान की दृष्टि है। कोई कहता है निंदा करने वाला कि कोई कहे ये ठग है, इनो भेख धरा मोमिन, किसी को लगता है कि ये ठग है। और जो महापुरुष होते हैं उनको इन सब बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायथेष्टम, अद्येववा मरणमस्तु युगांतरेवा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे, चाहे धन आए चाहे चली जाए, चाहे आज ही मरना हो चाहे मृत्यु सालों बाद आए, लेकिन जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके कदम नहीं डगमगाते। श्री जी की भी कोई स्तुति करता है, कोई निंदा करता है, कोई क्या कहता है कि ये मुसलमान है, औरंगजेब के द्वारा भेजे गए गुप्तचर हैं, कोई कहता है कि ये कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता है कि नहीं वेद भी पढ़ते हैं कुरान भी पढ़ते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह की बातें जब राणा के पास पहुंची तो राणा ने अपने पंडितों को भेजा, क्योंकि अगर ज्ञान की चर्चा करते हैं तो फिर पहचान कौन करेगा, ज्ञानी व्यक्ति है, तो इसलिए उन्होंने पंडितों को भेज दिया। अब वो पंडित कैसे थे, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। हमने दूसरे तीसरे दिन की चर्चा में भी सुनी थी, हरिद्वार के प्रसंग में भी सुनी कि किस तरह से मध्य काल में ज्ञान का लोप हुआ था, और कोई एकाध ग्रंथ को भी पढ़ लेता था, कोई केवल गीता पढ़ के भी विद्वान कहलाता था, कोई केवल भागवत पढ़ के भी विद्वान कहलाता था। तो वो जो पंडित आए थे वो कैसे थे, कहते हैं वे तो आए पेटार्थु इनो नहीं काम आता, वो तो पेट पालने वाले पंडित थे, पंडिताई करते कर्मकांड करते, उनको जो दान दक्षिणा मिलती राजा के तरफ से उससे पेट पालते, इनको आत्मा के काम से कोई लेना देना नहीं था। अब जब आए श्री जी से बात करने लगे, श्री जी ने देखा कि ये तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं। श्री जी ने 40 प्रश्न भागवत के और 15 वेदांत के प्रश्न पूछ दिए और कहा कि इन प्रश्नों के आप उत्तर दे दीजिए। अब आए थे परीक्षा लेने के लिए लेकिन उन्हीं की परीक्षा हो गई, तो अब क्या करते, कहते हैं जवाब न आवे उनको दिया न जाए उत्तर, तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर। कहते अब जवाब नहीं आया तो आपस में बैठ करके विचार करने लग गए कि ये तो बुरे वैरागी हैं, ये तो हमारा रोजगार छीन लेंगे, इसलिए इनकी निंदा की जाए। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था दुनिया की रीति है जिसको हरा नहीं सकते उसको बदनाम कर दो। इसलिए उन्होंने कहा हम निंदा करेंगे। और लालदास जी कहते हैं कि ये वैसे ही ब्राह्मण है जिनका बड़का, जिनका पूर्वज ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा ने भी तो कृष्ण जी की पहचान नहीं की थी ना, गर्भ में जब थे तो स्तुति की और जन्म हुआ तो भूल गए और जाकर के परीक्षा ले ली। दूसरा कहते हैं इनके पूर्वज जो है वो भृगु ऋषि है, जो एक तरफ तो आराध्य कहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की परीक्षा लेते हैं, तो ये ऐसे ही पंडित हैं। तो इन्होंने जाकर के राणा राज सिंह के आगे निंदा करी, कहते हैं कि इनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, इनका मुंह भी देखना पाप है। इसीलिए एक तो पंडितों ने बहकाया और दूसरा उसके अंदर परमधाम का कोई अंकुर नहीं, इसलिए उससे श्री जी की कोई पहचान नहीं हो पाई। बस एक दिन क्या हुआ कि वो उसी तालाब के किनारे गया घूमते हुए टहलते हुए, श्री जी साहब जी भी वहां पर थे, वहीं पर ठहरे हुए थे, तो दूर से ही उसने देखा, दूर से, बाकी पास से कोई दर्शन भी नहीं किया। अब वहां पर क्या हुआ, एक घटना घटित हुई। तालाब के किनारे श्री जी ठहरते हैं एक हवेली लेकर के। अब सुंदर साथ के बीच में एक तरह से भेदभाव का वातावरण तैयार होता है। कुछ सुंदर साथ थे मुकुंद दास जी जैसे, उनके मन में यह था कि हम तो उच्च कोटि के हैं और ये लोग तो मुसलमानों के बीच जाकर के आए हैं, तो ये कैसे होगा, ये होगा अपवित्र।
इसीलिए अब थोड़ा सा भेदभाव का वातावरण था। सोचिए कि पन्ना जी पहुंचते पहुंचते तो 5,000 की संख्या थी, तो यहाँ पर भी 3,500-4,000 से ऊपर ही होंगे। इतने में सबकी बुद्धि सबकी विचारधारा एक जैसी तो नहीं होती, कुछ लोग रहे होंगे कुछ लोग आए होंगे जो उसी परंपरा से। सोचिए कि आज 21वीं शताब्दी में जाने के बाद भी जातिवाद से हम सुंदर साथ का पिंड नहीं छूट पाया है। आज जब वाणी का घर घर में प्रकाश है, वर्षों से हम चर्चा सुनते आ रहे हैं, भौतिक शिक्षा में भी इस बात को सिखाया जाता है समझाया जाता है, और उसके बावजूद भी जब हमारे घरों में कोई रिश्ता तय करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि हमें तो इसी बिरादरी में चाहिए, इसी जाति में चाहिए, इसी गोत्र में चाहिए। तो सोचिए कि उस समय कैसी अवस्था रही होगी। तो इतने हजारों की जमात में कुछ लोग होंगे, लेकिन श्री जी ने अब उसका उपाय निकाला। उपाय क्या कहते हैं, इन समय अवगुण साथ को ताको लेने लगे हिसाब, सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाब। अब सुंदर साथ की सबकी खंडनी की श्री जी ने, क्योंकि वहां आवश्यक था, क्योंकि जातिवाद का जहर एक ऐसा जहर है कि अगर समय रहते उसका इलाज न कराया जाए तो एक पर असर नहीं होता, पूरे समाज पर उसका असर होता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत के पतन के 3 प्रमुख कारण बताइए, उनमें से मैं सबसे पहले जातिवाद कहूंगा, क्योंकि अगर जातिवाद नहीं होता तो देश में जो बाहर से आक्रांत आए जिन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई वो सफल ही नहीं होता। अगर जातिगत भेदभाव नहीं होता तो जब महाराष्ट्र में मराठों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा था उस समय जो भी वाल्मीकि समाज के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो नहीं होता। उन्होंने साथ दिया तो कारण क्या था, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, और अत्याचार भी कैसा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ऐसा अत्याचार एक दिन सहन नहीं कर सकते, उन्होंने ये पीढ़ी दर पीढ़ी भोगी थी। सोचिए कि उन्हें अपने कमर में एक झाड़ू बांध करके रखना पड़ता था। कहते थे कि तुम अछूत हो, तुम्हें अपने पैरों के निशान भी खुद ही मिटाने होंगे, इसलिए पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि आगे आगे वो चलते जाएं और पीछे पीछे झाड़ू जो है वो उनके पैर के निशान मिटाते जाए। अगर उन्हें कहीं पर थूकना होता तब भी स्वयं के लिए थूकदान कमर में बांधनी होती थी, वो इधर उधर थूक नहीं सकते थे। कहते थे कि इससे वातावरण अपवित्र हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। स्त्रियों को जो स्त्रियां थी उस समाज की, उन्हें अपना स्तन तक ढकने की इजाजत नहीं थी। कहते थे कि नहीं, तुम कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों भाई, कारण क्या है इसका? इस तरह से जो अत्याचार पे अत्याचार होता गया, दमन पर दमन होता गया, उन्होंने क्या सोचा? उनको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था कि हमारे ऊपर शासक कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि अंग्रेज है कि फ्रांसीस है कि चाइनीज है, इसी से कोई लेना देना नहीं था। उनको केवल इतना था कि अगर हमने इन अंग्रेजों का साथ दिया तो हमारा दमन होना बंद हो जाएगा जाति के नाम पर, इसलिए उन्होंने साथ दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अंग्रेज वो युद्ध हार जाते और फिर मराठे उनको देश से बाहर खदेड़ सकते थे। पर उन मराठों में भी ये बात कहीं ना कहीं तो घुसाई गई है ना, एक बच्चा जो 5 साल का है स्कूल जाता है, स्कूल में क्या किसी की जाति पूछ के दोस्ती करता है? नहीं करता है। पर उसको समाज में लोग सिखाते हैं कि देखो वो वैश्य है, ये शूद्र है, ये चमार है, ये वाल्मीकि है, इससे दोस्ती नहीं करनी, ये छोटी जाति का है, तुम बड़ी जाति के हो। इस तरह से भेदभाव जो है वो समाज के बड़े लोग सिखाते हैं। तो ये जो प्रभाव है एक से प्रारंभ होकर के पूरे समाज में फैलता है, इसलिए श्री जी ने खंडनी करी।
भेदभाव को मिटाने के लिए। और उस भेदभाव को मिटाने का सबसे सरल उपाय श्री जी को क्या लगा कि सबकी वेशभूषा एक जैसी कर दी जाए। जैसे स्कूल में ड्रेस कोड होता है एक जैसा, तो ड्रेस कोड के कारण पता नहीं चलता कौन अमीर है कौन गरीब है, सब एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं। अगर ड्रेस कोड नहीं होता स्कूल में तो भेदभाव स्कूल से ही होता। जो अमीर होता वो ब्रांडेड कपड़े पहन करके आता, जो गरीब होता वो फटी मैले कुचैले कपड़े पहन करके आता। अमीर अमीर की आपस में दोस्ती होती, मिल करके गरीबों को दबाते सताते चिढ़ाते परेशान करते, शिक्षा के तरफ ध्यान नहीं होता। ड्रेस कोड बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री जी ने अब सबके वेश एक जैसे कराए। कहते हैं भेख बदलाए सबन के, श्रवणी पहनाई कानन, और साज सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिन। सभी सुंदर साथ को फकीरी भेष पहनाए, सबका मुंडन कर दिया, कान में श्रवणी पहनाई, और बाकी जितने साजो सामान थे वो सब भी साधुओं वाले फकीरों वाले, माला से लेकर के कपड़े से लेकर के तुम्बा खड़ाऊ सब फकीरों वाले। एक किसी संप्रदाय विशेष नहीं, कुछ जो है वैष्णवों के जैसे थे, कुछ शैवों के जैसे, कुछ जो नाथपंथ के साधु होते हैं उनके जैसे थे। इस तरह भिन्न भिन्न संप्रदाय में से थोड़े थोड़े वेशभूषा लेकर के एक नई वेशभूषा बनाई गई और सबको वैसे ही वस्त्र पहनाए गए। पर जैसे आप सब यहाँ पर हैं, जितने सुंदर साधु हैं, मान लीजिए कि 7 दिन के कार्यक्रम के लिए भी अगर आते हैं, स्वामी जी ये कह दें कि सब सुंदर साथ को पहले दिन ही मुंडन करना होगा जितने पुरुष हैं, तभी आगे के 7 दिन का कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप में से 50% लोग तो कहेंगे कि नहीं भाई, YouTube में सुन लेंगे, ठीक है, और नहीं आएगा तो नहीं सुनेंगे, लेकिन मुंडन तो नहीं करेंगे, चले जाएंगे। बाकी जो लोग होंगे वो सोचेंगे कि नहीं नहीं अब यहां तक आ गए हैं, जाएंगे तो बाद में सुनाया जाएगा, जैसे तैसे रोध होकर के राजी होंगे। और कुछ लोग होंगे वो सोचेंगे बाल ही तो है, मैल है, सोचिए यही बाल सिर पर है तो अच्छा लगता है, खाने पे एक आ जाए तो इसी पे झगड़ा होता है कि खाने पे बाल कैसे आ गया, सोचिए मैल ही तो है ये, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर भी क्या कहते हैं, रोए धोए राजी भए, नाच कूद होए खुशाल। कुछ लोग हैं जो रोध हो करके राजी होते हैं जैसे तैसे, कि अब घर छोड़ करके आए हैं, एक बाल के लिए तो वापस लौट नहीं सकते, चलो कर लेते हैं, इस तरह से रोते धोते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नाच कूद करके कि श्री जी ने कहा है हमें बाल ही तो छोड़ना है, कौन सी बड़ी बात है, खुशी खुशी तैयार होते हैं। और कहते हैं काढ़े अपने अवगुण ले जबराइल संघाल। राज्य के जोश को सिरोधार्य करते हुए अपने अवगुण को निकालते हैं। अब इसमें दयाराम, चंचल, गंगाराम, बनारसी जितने सुंदर साथ आए हुए हैं, सब लोग इस तरह से फकीरी वेश धारण करते हैं। साथ में अब नए नए सुंदर साथ का आगमन होता है। सूरत से मोहन चतुर्भुज, पठान सौदागर जिसका नाम था इनायत खान, मुराद खान, अब्दुल नबी, अलादाद खान, यार खान, इलियास खान, नवाब कर, मिहीन खान, उस्मान, हसन, अहमद, अव्वल खान, ये सब मुसलमान हैं। पर श्री जी की चर्चा जब सुनते हैं तो उनमें से अव्वल खान को श्री जी के स्वरूप की पूरी पहचान होती है। और पूरी पहचान का तात्पर्य कि इतनी पहचान होती है कि ये कोई लौकिक व्यक्ति नहीं है। उनके मन में होता है कि ये जो बात कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो अव्वल खान नूर मोहम्मद से पूछता है, क्योंकि नूर मोहम्मद पहले ही मिल चुके हैं श्री जी से, तो उनसे पूछते हैं कि ये जो वैरागी है इनकी मुझे पूरी पहचान दो, अगर तुमने मुझसे अभी भी कोई भी बात छिपाई तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा दावन झटकूंगा न्याय के दिन। तो नूर मोहम्मद कहते हैं कि देखो, जिस इस्लाम को हम मानते हैं, हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, वास्तव में इस्लाम का वास्तविक ज्ञान इनके पास है। कुरान मुसलमान नहीं जानते, पर कुरान का वास्तविक ज्ञान इनके पास है। और वास्तव में शांति का जो संदेश है वो ये दे रहे हैं।
और यही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी हैं। और अव्वल खान को ये बात सुनते ही श्रीजी पर ईमान आता है, अपने हाथ में चाबुक लेते हैं, चाबुक मतलब कोड़ा जिसे मारा जाता है, और अपने आप को ही मारने लगते हैं श्रीजी के सामने कि मैं आपकी पहचान समय रहते क्यों नहीं कर पाया। श्रीजी मना करते हैं, उनका हाथ पकड़ करके मना करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस आओ और हमारे पास बैठो। उनको रोका जाता है। अब उदयपुर में श्री जी पट का काम करा रहे थे, पट दर्शन का। आप लोगों ने परम धाम पट दर्शन देखा है ना, पाताल से लेकर के परम धाम तक किस तरह से 14 लोक का ब्रह्मांड है, उसके परे अष्टावरण, 7 शून्य, इन सब का वर्णन। तो श्री जी उस समय नक्शा बनवा रहे थे और उस काम को करने में प्रमुख जो थे उनका नाम था मुकुंद दास। तो ये काम चल रहा था, कुछ पठान आए जिन्होंने अभी श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं की थी, वो आते हैं और आकर के सुंदर साथ के बीच में लड़ने की कोशिश करते हैं कि तुम हिंदू होकर के हमारे रसूल का कलमा क्यों पढ़ते हो, कुरान की बात क्यों करते हो। इस तरह से वो लड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में श्री जी को जोश आता है, श्री जी कहते हैं कि मेरे और मोहम्मद के बीच में आने वाले तुम कौन हो। इतनी बात करते करते अव्वल खान को जोश आता है, तो अव्वल खान का जोश देख करके जो बेईमान थे, जो काफिर थे, जो जाहिरी मुसलमान थे, वो डर करके वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि बस हमसे गलती हो गई। अपने घर में जाकर के फिर शोर करते हैं, सामने तो माफी मांग लेते हैं लेकिन अपने घरों में जाकर के दूसरे लोगों को भटकाना शुरू करते हैं कि कोई एक हिंदू बैरागी आया है, तालाब के किनारे रहता है, और वो हमारे मुसलमान भाइयों को भी धीरे धीरे करके अपने चरणों में ले रहा है, उनको हिंदू बना रहा है। इस तरह से वो उकसाते हैं। अब एक दिन श्री जी तालाब के किनारे थे, राणा आता है दूर से ही, क्योंकि पंडितों ने बोल रखा था कि इनको देखना नहीं है, तो दूर से आता है मुंह छिपा करके। वहां रास की कीर्तन का गायन चल रहा था, वो दूर से ही देखता है और जितना अंकुर था, क्योंकि था ही नहीं तो उतना ही लाभ लेता है, जबकि ये हिंदू है। और दूसरे अव्वल खान है जो मुसलमान है, पर वास्तव में विश्वास जो है वो हिंदू मुसलमान ये देख कर नहीं होता है। क्या कहते हैं, इनों के दिल में शक रहे, लाया ईमान अव्वल खान, 300 मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान। एक है जो श्री जी के स्वरूप के स्वरूप को मजाक के रूप में देखता है, पंडितों की बातों में आकर के दर्शन भी नहीं करता, और दूसरे अव्वल खान है जिनको श्री जी के स्वरूप की पूरी पहचान हो चुकी है। इस प्रकार ये उदयपुर की बीतक है, तालाब के किनारे की घटना है। अब आगे की बीतक में हम सुनेंगे कि किस तरह से औरंगजेब को जब पता चलता है कि ये सब सुंदर साथ श्री जी सहित उदयपुर में है, तो अब औरंगजेब के मन में है कि ये आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी है, तो इनसे मुझे मिलना तो है, इनके चरणों में भी आना है, पर जाहिरी रूप में नहीं आना है। इसलिए अब उन्हें पकड़वाने के लिए वो उदयपुर में आक्रमण करना चाहता है। इसके पीछे कुछ और राजनीतिक कारण भी थे, कारण क्या है वो हम कल की चर्चा में सुनेंगे, और साथ ही ये भी सुनेंगे कि उदयपुर के राजा के साथ क्या होता है। उसके बाद औरंगाबाद, जहां औरंगजेब लगभग अपने जीवन के 25 वर्ष तक रहता है, वहां के जो राजा है भाव सिंह, उनकी जागनी कैसे होती है, मुकुंद दास जब उनको जगाने के लिए जाते हैं किस तरह से रामदास डंडे मारता है, सारे कष्ट सह करके किस तरह से औरंगाबाद में भाव सिंह को जगाया जाता है, ये सारे प्रसंग सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चुप हो जाइए। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए तालाब करो याद, फिर कहो उदयपुर की जो भी तक बुनियाद,
जो भी तक बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।